सैफ और करीना के रिश्ते में आई दरार, सैफ और करीना के रिश्ते में आई दूरियां। बॉलीवुड के लिए आज की सबसे बड़ी खबर यही है, 4 साल एक साथ रहने के बाद अब दोनों के रिश्ते में आ गई है दूरियां। कहते हैं बॉलीवुड में रिश्ते कब बदल जाते हैं कुछ नहीं पता, और ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है सैफ और करीना की आज की खबर पर, क्योंकि मुंबई के एक लीडिंग न्यूज़पेपर की माने तो ऑल इज नॉट वेल विद सैफ एंड करीना। वेल न्यूज़पेपर ने इसकी कुछ वजह भी बताई है जो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज आपको एक एक करके गिनाने जा रहा है। रीजन नंबर 1, नो टाइम फॉर सैफ। खबरों की माने तो करीना के पास आजकल सैफ अली खान के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। करीना हर साल शूटिंग में बिजी रहती हैं, लेकिन फिर भी हॉलीडेज के लिए सैफ के साथ जरूर जाती थी, लेकिन इस बार करीना सैफ के साथ हॉलीडेज में भी नहीं गयी, जिस बात से काफी नाराज है सैफ अली खान। We both love to travel, so we do, but this year's been tough. Last year we did take vacation, but this year we're not traveling at all. This year looks very, very tough. रीजन नंबर 2, करीना के खर्चों के लिए ओवर डिमांड। खबरों की माने तो सैफ अली खान को करीना पर पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम तब हुई जब हॉलीडेज के लिए करीना की फैमिली का खर्चा भी उन्हें ही उठाना पड़ा, खास करके तब जब वो एजेंट विनोद की प्रोडक्शन के वक्त फाइनेंशियल प्रेशर से गुजर रहे थे। रीजन नंबर 3, सैफ दीपिका एक साथ। खबरें तो यहाँ तक उड़ रही हैं कि करीना को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सैफ दीपिका से बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं। पहले आरक्षण की शूटिंग के वक्त 45 दिन एक साथ रहना और अब लंदन में एक कॉकटेल ब्रांड के लिए शूट करना। हालांकि ये सब प्रोफेशनल टूर थे, लेकिन फिर भी करीना को सैफ की दीपिका से बढ़ती नजदीकियाँ नहीं हो रही हैं बर्दाश्त। रीजन नंबर 4, रोज फोन पर किसी न किसी बात को लेकर अनबन। सुनने में आ रहा है कि करीना और सैफ आपस में मिल तो नहीं पा रहे, लेकिन हाँ, दोनों की फोन पर ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। बॉडीगार्ड के सेट के एक सोर्स की माने तो एक दिन करीना सैफ से बात करते हुए बुरी तरह रोनी भी लग गई थी। वेल, इन सभी रीजंस की वजह से सैफ और करीना में अब दूरियाँ आ गई हैं। वैसे करीना रिसेंटली लंदन गई थी, और क्लोज सोर्सेज की माने तो ये करीना का अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए लिया गया एक स्टेप था। वैसे करीना के लिए सैफ हमेशा अवेलेबल रहे हैं, और तो और सैफ और करीना ने कभी भी मीडिया से अपने रिलेशनशिप छुपाया भी नहीं है। We've never hidden our relationship from the media, so we never will. And when we decide to do it, I think the media will be the first to know. इतना ही नहीं, करीना तो ये भी कह चुकी है कि वो मिसेस खान बनने के लिए भी तैयार है। Would you ever like to be करीना कपूर खान? I mean, of course I would. लेकिन आज की बड़ी खबर को देखकर लगता है कि करीना का मिसेस खान बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा।